एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक एक्सीलेंस इन। आज की इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 1। डेट है 5/7/2020। टीचर नेम यहाँ लिखना है, स्टूडेंट नेम यहाँ पे लिखना है। आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, अगर इन डिफरेंट पार्ट्स को अगर हम शूट सिस्टम और रूट सिस्टम के बिहाफ से बांटें तो यह अलग अलग होते हैं। शूट सिस्टम वह सिस्टम होता है जो धरती के ऊपर जो सिस्टम होता है, जो हमें दिखता है, उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं, जिसके अंदर स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर और फ्लावर बड होता है। जबकि रूट सिस्टम वह सिस्टम होता है जो धरती के अंदर होता है, जिसे हम देख नहीं पाते। इसके अंदर रूट होता है और रूट हेयर्स होते हैं। दोनों का अलग अलग महत्वपूर्ण कार्य है। जैसे स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, क्लोरोफिल जो लीव्स के अंदर होती है, फ्लावर और बड, इनका अलग अलग कार्य है। जबकि रूट और हेयर्स जो है, ये वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है प्लांट के लिए। लीव्स के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल, जो हमें ग्रीनरी दिखाई देती है। जब हम बगीचे में जाते हैं या पेड़ पौधों को देखते हैं तो हमें ग्रीनरी दिखाई देती है। वह ग्रीनरी क्यों दिखाई देती है, ध्यान रखिएगा, यह ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल उनकी लीफ में होता है, जिसे हमें ग्रीन कलर का मटेरियल दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा, यह जो ग्रीन पिगमेंट है यह उनके लीव्स में होता है और जो यंग प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम में भी प्रेजेंट होता है। जब प्लांट्स एक लॉन्ग एज में हो जाते हैं तब उनकी स्टेम के अंदर यह क्लोरोफिल एब्सेंट हो जाता है। बच्चों, प्लांट्स में एक अद्भुत कैपेबिलिटी होती है कि यह अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं एक प्रोसेस के द्वारा, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खुद ही प्रिपेयर करते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जिन्हें हम हेटरोट्रॉफ कहते हैं। तो ऑटोट्रॉफ जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, और हेटरोट्रॉफ जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते, वो कैपेबल नहीं होते और वो ऑटोट्रॉफ के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। यह एक अद्भुत प्रोसेस है जिसके अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड ग्रहण करते हैं, या खुद बनाते हैं, या फिर किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होकर ग्रहण करते हैं। तो चलिए फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यहाँ पे चार चीजें हैं। देखिए, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये चार चीजें प्रेजेंट होती हैं तब एक इक्वेशन बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, जिसमें कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बनता है पेड़ पौधों के अंदर। यह जो ग्लूकोज है यह बाकी अदर जीवों के लिए अत्यंत लाभकारी फूड होता है, और यहाँ ये कह सकते हैं यही फूड होता है जिसे हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लेते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के बाहर आ रही है, वो है ऑक्सीजन। अगर हम स्टोमेटा की बात करें तो जो लीफ सरफेस होती है, इसको हम माइक्रोस्कोप से देखें तो एक छिद्र आते हैं यहाँ पे। इस छिद्र को हम स्टोमेटा कहते हैं, जो कि गार्ड सेल से भरे हुए होते हैं। यह स्टोमेटा गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। देखिए, यह कार्बन डाइऑक्साइड इस स्टोमेटा से अंदर जाएगी ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके, और ऑक्सीजन अंदर से बाहर आएगी ताकि ऑक्सीजन कंटिन्यूसली बाहर जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा सके। ट्रांसपिरेशन यानी यहाँ से वाटर वेपर्स भी बाहर जाता है, और ये वाटर वेपर्स इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह जो पानी जा रहा है, यह अगर वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर नहीं आएगा तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो भर जाएंगे पानी से, तो फिर कहाँ से उनके पास स्पेस होगी और वो फोटोसिंथेसिस कर पाए। इसके साथ साथ हम पढ़ते हैं कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड और डीके ऑर्गेनिक मैटर यानी सड़ी गली चीजों से अपना फूड ग्रहण करते हैं, जिन्हें हम सेप्रोट्रॉफ कहते हैं। आपने देखा होगा कि ब्रेड के ऊपर अगर थोड़ी सी नमी है तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की फफूंदी आ जाती है। इस फफूंदी को हम फंगस यानी राइजोपस कहते हैं। तो आपने पढ़ा ऑटोट्रॉफी के बारे में, हेटरोट्रॉफ्स के बारे में, सेप्रोट्रॉफ्स के बारे में। फोटोसिंथेसिस चार चीजों से मिलकर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, जिसमें बनता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अब चलिए क्वेश्चंस को करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, व्हाई प्लांट्स लीव्स आर ग्रीन इन कलर। तो हमें पता है कि यहाँ पर एक पिगमेंट होती है क्लोरोफिल, जिसके कारण से ये ग्रीन कलर के होते हैं। अब हमें लिखना है कि ऑटोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ, सेप्रोट्रॉफ किसे कहते हैं और इनका एक एग्जाम्पल लिखना है। तो चलिए लिखते हैं ऑटोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ और सेप्रोट्रॉफ के बारे में। लिखते हैं ऑटोट्रॉफ, लिखेंगे ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स आएंगे। अब हेटरोट्रॉफ्स किसे कहते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे हेटरोट्रॉफ्स, ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स टू गेट फूड इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफ। एग्जांपल, हम खुद हेटरोट्रॉफ हो गए क्योंकि हम जो है फूड प्लांट से या एनिमल प्रोडक्ट, प्लांट या एनिमल से
लेते हैं, हम अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते। अब लिखते हैं सेप्रोट्रॉफ के बारे में, ऑर्गेनिज्म विच गेट फूड फ्रॉम डेड एंड डीके। डेड मतलब जो ऑर्गेनिज्म डेड हो गए हैं उनसे, या फिर डीके सड़ गल गए हैं उनसे, मटेरियल इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ। एग्जाम्पल के लिए बात करेंगे तो हमारे पास फंगी हो गए, जितने भी फंगी हैं वो सारे सेप्रोट्रॉफ होते हैं, सड़ी गली चीजों से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, इसको एक डायग्राम से बताएं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डायग्राम कहाँ से आपको बनाना है। सो आप ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए, और ये फोटोसिंथेसिस होता क्या है उसके लिए आप यहाँ से नोट करेंगे। यहाँ से नोट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में बनता है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। तो यहाँ से आप नोट करेंगे, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, वाटर। सो यहाँ से आप यहाँ तक नोट करके ये डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वर्कशीट आपको अच्छी लगी होगी। जल्द ही मैं लेके आ रहा हूँ अगली वर्कशीट्स। थैंक यू वेरी मच।